शांति। आज है 14 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 14/12/97 मधुबन। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबर वार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव, इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया की गया। इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है। लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है, अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं हो? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो, क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ। आप उसे नहीं बुलाना, बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छा मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना? इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह
तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसी नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ। लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब ही यहाँ ही चुकतू होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पांव नाचने लगते हैं। जैसे यह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, यह तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो, हिम्मत है। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्हों में हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना,
अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ, ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए? कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ मजबूत रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन संकल्प में मजबूत रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं, बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए, यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे, यहाँ ही सब चुप तो होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसे बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप तो होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप्तु होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो।
संबंध में तो स्नेह और निर्माण कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे, खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है, बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हैं, कैसे भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो, किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है, जो निमित है उनका सहयोग लो, वह निमित आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित आत्माओं तक पहुंच जाना, यह आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ, यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा मजबूत दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाटधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्तनशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। श्लोगन है, जो सर्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति।